नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश। और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि संचार के कितने प्रकार हैं। और प्रश्न है कि संचार के कितने प्रकार हैं, देखिए। सबसे पहले सांकेतिक संचार। तो सांकेतिक संचार का अर्थ है संकेतों द्वारा संदेश पहुंचाना। जो सांकेतिक संचार है उसका अर्थ होता है कि संकेतों द्वारा संदेश पहुँचाना, जैसे मनुष्य का हाथ जोड़ना, पांव छूना, हाथ मिलाना और मुट्ठी कसना, जैसे सिग्नल देना, लाल एवं हरी बत्ती का प्रयोग करना। इसमें मनुष्य अपने शारीरिक अंगों और अन्य उपकरण का उपयोग करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, दूसरा है मौखिक संचार। क्या है मौखिक संचार? तो मुख द्वारा व्यक्त ध्वनियों के माध्यम से जो संदेश पहुंचाया जाता है उसे मौखिक संचार कहते हैं, या हम कह सकते हैं मुख अर्थात मुंह द्वारा व्यक्त ध्वनियों के माध्यम से जो संदेश पहुंचाया जाता है उसे मौखिक संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मौखिक संचार कहते हैं। जैसे आपसी बातचीत, टेलीफोन, भाषण देना आदि। जैसे आपसी बातचीत, टेलीफोन, भाषण देना आदि। जैसे आगे है अमौखिक संचार। अमौखिक संचार क्या? अमौखिक संचार मौखिक संचार के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के संचार के साधन अमौखिक संचार के साधन कहलाते हैं। जैसे मौखिक संचार के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के संचार के साधन अमौखिक संचार के साधन कहलाते हैं, जैसे लिखित संचार, सांकेतिक संचार, चित्र या फिल्म संचार इत्यादि। अगला है अंतः व्यक्तिक संचार। क्या है अंतः व्यक्तिक संचार? अंतःव्यक्तिक संचार मतलब एक व्यक्ति स्वयं अपने आप से बातचीत करना है। एक व्यक्ति का स्वयं अपने आप से बातचीत करना ही अंतः व्यक्तिक संचार कहलाता है, जिसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके अलावा अंतर व्यक्तिक संचार, तो दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली बातचीत। जैसे दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली बातचीत अंतर व्यक्तिक संचार यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे दो मित्रों के बीच बातचीत, पिता पुत्र के बीच, माता बेटी के बीच या माँ बेटी के बीच या अन्य के मध्य बातचीत करना ही अंतर्व्यक्तिक यानी कि इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन संचार कहलाता है अंतर्व्यक्तिक। तो इसमें क्या है, जैसे कि जो अंतर्व्यक्तिक संचार होती है भी जो स्वयं मतलब एक व्यक्ति जब अपने आप से बात करता है उसे अंतर्व्यक्तिक संचार कहते हैं, जब दो व्यक्तियों के बीच में बात होती है उसे अंतर व्यक्तिक संचार कहते हैं। समूह संचार, जब व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक से अधिक व्यक्तियों से बात करता है। या किसी समूह के सदस्य आपस में विचार विमर्श करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समूह संचार कहते हैं। जैसे कक्षा में पढ़ना या पढ़ाना, भाषण या जुलूस करना, ठीक है। इसके बाद है जनसंचार। जनसंचार क्या है? तो जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने की बजाय किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं।
क्या कहते हैं, या हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने की बजाय किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। तो हे गाइज, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।